हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या जोशी और मैं हूँ उत्तराखंड से। और ये मेरा पहला व्लॉग है। और जैसे कि आजकल मैं आई हुई हूँ अपने गांव में, तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव के सुंदर नज़ारे, पहाड़ों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे यहाँ पर खेती होती है, तो बस यही सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हमारा खेत और ये दादी और चाची काम कर रहे हैं खेत में। और ये है झंगोरे की खेती। झंगोरा डायबिटीज़ में बहुत यूज़फुल होता है और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है इन खेतों में। बारिश के पानी से ही ये फल फूल जाते हैं। हमारा घर है जैसे कि इस पहाड़ के पीछे और बाकी का गांव ये दिख रहा है यहाँ सामने से। और ये है सामने जो दिख रहा है, ये है लोदला गाँव। ये जो पेड़ों के बीच से दिख रहा है, ये है सोल्टा गाँव। हाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 9 और अभी हमारी साइड हो रही है बारिश कल रात से। तो बारिश के बाद यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर सा हो चुका है, बहुत ही ठंडा सा। और मैं बैठी हूँ अभी अपने घर की छत पे एंड मैं दिखाती हूँ आपको कि छत से कैसा व्यू दिखता है हमारे गांव का। और बारिश के बाद तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। उसके बाद हमें खेत भी जाना है और चलो फिर मिलूँगी मैं आपको उसके बाद खेत में। चुके हैं खेत में और पीछे दादी लोग काम कर रहे हैं, खरपतवार निकाल रहे हैं झंगोरे में से। और अब हम काटेंगे घास। कुछ घास मेरी बहन ने भी काट लिया है और पीछे काट रही है घास, और कुछ अब मैं काटूंगी आधा। तो बस यही सब काम है। तो अभी बज रहे हैं 2:00 PM और अब हम जा रहे हैं घर। और ये जो मैंने पीठ पे लगाया है, ये है घास की चिंगेरी। जिसमें घास रखते हैं उसे हमारे यहाँ चिंगेरी बोलता है। सो गाइज, अभी हम फिर से शाम को आए थे खेत में और थोड़ा थोड़ा हमने घास काटा, थोड़ा थोड़ा हमने पिरूल इकट्ठा किया। और अभी 7:30 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रात होने ही वाली है, तो हम भी घर चलते हैं। और कुछ अभी यहीं छूट चुका है पिरूल, कुछ लेके जा रहे हैं घर। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ और इस व्लॉग को भी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा। और अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।